बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारना कि हम जब महादेव को जल चढ़ाते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा, शिवलिंग है, जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए, भगवान को लगना नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर से अगर शिवलिंग अगर यहां है तो इससे इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर से आप जल समर्पित करें। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं उसकी धार धीमी होना चाहिए। किसी काम के लिए जा रहे हो, शंकर का एक उपाय कर कर चले जाओ, बहुत डाल दिए, जाओ शंकर का नाम लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक चावल का दाना जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल। महीने में एक बार पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर, 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। भर की ना हो तो कितना सुंदर कहा, एक लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल दीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने बेल उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापिस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए महाराज, आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होना चाहिए। इन 6 जगहों पर मौन रहने की बात शास्त्रों ने बताई है। इन 6 स्थानों पर प्रतिदिन मौन रहना चाहिए। पहला स्थान है स्नान करते समय, दूसरा स्थान है शरीर की गंदगी निकालते समय, तीसरा स्थान है शारीरिक संबंध बनाते समय, चौथा स्थान है आपके पास धन है, संसार के सब सुख हैं, तो मौन रहना। 5वां स्थान है भगवान नारायण की कथा में, 6ठा स्थान है भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। ये बात शास्त्रों ने बताई। जैसे गरुण घंटी देखी है आपने, वो बजाते हो गरुण जी महाराज की घंटी, ये घंटी का नाद कहाँ कहाँ करना चाहिए? गरुण घंटी का नाद किया जाता है सबसे पहले भगवान के सम्मुख में, ठीक है। दूसरी जगह गरुण घंटी का नाद करना चाहिए फिर अपने रसोई घर में जहां पर परिंडा भरा है उस स्थान पर, पितरों की शांति। तीसरी जगह जहां पर अपना लक्ष्मी रखते हो, अलमारी तिजोरी उसके पास। चौथा घंटी का नाद करना चाहिए दरवाजे के पास में, दरवाजे के अंदर के भाग। फिर 5वां गरुण घंटी को घर के बाहर, घर से दरवाजा लांग कर बाहर खड़े होकर घंटी का नाद किया जाता है। कहते हैं जो ये 5 जगह पर घंटी का नाद करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, इतना गरुण घंटी के नाद की महत्वता है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर्जा हो सब चुक जाए, भगवान शिव की राधा। किसी पुराण के अंतर्गत 18 पुराण 6 साल